जो था ना वो साथ दिया था नहीं जो धीरे धीरे निकल गए। अब सर आने में वो सर के आने में अपना केम के नजदीक बोला जय किशोर सिंह जो शहीद हुआ है वो बोला कि जय पाछ मुड़कर देखा तो कहा जे नहीं से अफसर साहब आए नहीं से लेट हो गया काफ़ी लेट हो गया चलो तो जमा कहता है सर आएंगे चलो चलो अब खाओ पियो खाएंगे कि हम जाएंगे अब सब के दौरे खाएंगे खुआएंगे फिर साथी चलेंगे। गया खोज में, खोज में जब गया तो वो लोग तैयारी में था पहले से और जमान नाटा वाटा लगा करके वो था पीपल था पीछे से हाँ पीछे से आज जो अगाड़ी में था वो अटैक कर दिया इस पर जो छोके मार के गिरा डाला एक बाद जब छोके मार के गिरा दिया शहीद बना दिया उसको तो निहत्था था ये था तो धक्का धक्की में ही 15 फीट नीचा से पैर इसको स्लिप कर गया जो गिर गया पहले भी तनाव हुआ तो आखिरी पर बात क्यों हुई क्या फोन पे जाने से पहले टावर के बोला था जी अब बात हो गया से हो गया अब टावर के वहाँ गड़बड़ी है बात नहीं होगा हमसे 3 महीना के बाद हम डाउन होंगे जरा बाद हमसे आपको बात होगा मम्मी से भी बतिया लिया पहले जाने के पहले हमसे भी बतिया लिया माने 1 महीना के लगभग बुझिए 25 रोज है 20 रोज है या 20 रोज है तारीख का दिन हम नहीं जानते हैं लेकिन 1 महीना के लगभग में उससे हम जा रहे हैं अब बात नहीं होगा 3 महीना 3 महीना के बाद हम डाउन होंगे तब बात उनका 17 तारीख को 9 बजे में खबर आया हमारा मोबाइल पर या फोन बोलते हैं हमको हम तो राज जय किशोर के पापा हैं जय किशोर सिंह के आगे हैं आपको बेटा विशेष रूप से घायल हो गया लड़ाई में इसलिए आप लोग चिंता न करेंगे आप लोग शांति बनाकर रखेंगे इसका बाद हम घंटे घंटे रिपोर्ट देते रहेंगे हमको बुझा गया जो बेटा नहीं है दुनिया में विशेष रूप से जखन ये बोल दिया तखन ये कह दी खत्म एक बाद 11 बजे या 10 बजे के बीच में आता है जो आपको बेटा सही हो बहादुरी का काम क्या 6 लोग को अकेले उन्हें 43 आदमी को इससे पहले भी तनाव हुआ था जो वीडियो आया था हम लोग भी देखे थे वीडियो आती हम बहुत कम देखते हैं सिनेमा नहीं नहीं वो वीडियो वो सब सिनेमा उनेमा ना देखते हैं ये जो झड़प जो हुआ ऐसे एक छिटपुट झड़प चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में पहले हुआ था तो कोई मोबाइल से रिकॉर्ड किया न्यूज चैनल से वगैरह में आया तनाव वनाव पहले से चल रहा हुआ एक बेटा रहता है हमारा सिक्किम बड़ बेटा है नन किशोर वो मतलब आर्मी में आर्मी में अच्छा वो भी उसको लड़ाई पड़े बहुत मतलब सिक्किम साइड में सिक्किम साइड नॉर्थ हाँ रोज मन रहा है लड़ाई के दरमियान में एक ही है निहत्ते हम लोग अचेतल है कोई चेतल आएगा सब आगे पार पाइएगा धोखेबाजी से किया धोखेबाजी से आज सम्मान से सब जगह तो बहुत लोग जुटा हुआ था सम्मान देखे घाट को बुझाता है जो लगभग 40 आदमी 1000 आदमी
जो भाई सुना ना, गरीब अमीर बच्चा बुजुर्ग जनी जात सब लाइन लगा दिया लाइन लगा। हमको तो कल एयरपोर्ट पे थे, हुआ कि हम इधर आएंगे हाजीपुर साहब से परिवार के लोग, और सबके परिवार से फोन पे बात हो गई थी, कुछ लोग के परिवार के रिश्तेदार लोग एयरपोर्ट आए हुए थे, लेकिन आपके परिवार से संपर्क नहीं हो पाए किसी ना किसी तरीके। अब बोले नहीं, एक बार हम आए हैं हाजीपुर, चल लेंगे, अब साफ हो जाएगा तो थोड़ा काम लोग थोड़ा मिल जाएगा, जो जरूरत होगा हम लोग को बताइएगा, हम लोग से जो अपेक्षा रहे कुछ भी हो। हालांकि सरकार तो अपने हिसाब से करती है, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, जो हम लोग से हो पाएगा सम्मान में। आपका बेटा मेरा भाई जैसा देश का बेटा, जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। माता जी क्या नहीं, हमारा पड़ोसी लोग है अपना गोतिया समाज, हाँ ना, जखनी से सुना है तखनी से ये लोग के घर में आज नहीं चुकाया। हम सब लोग तो एकदम, आप इतने मजबूत लग रहे हैं। हम मजबूत है लग रहे हैं, देखो कितना मजबूत है हम, हमको हो गया 72 घंटा मुँह में पानी, मेरा हिम्मत वही हिम्मत है, नजर आ रहा है वही हिम्मत मेरा है, वही वही मेरा कदम पछाड़ी नहीं रहता है, गाड़ी रहता है। अगर यदि 20,000 जमान के काम पर 30,000 आय लेने के लिए अगर हम मोटरसाइकिल उठा देंगे तो तुरंत मेरा जवान जो है एकदम तैयार हो जाएगा, पाछे पाछे तैयार हो जाएगा, चलिए वो हम समाज बना कर रखे हैं। लेकिन चलिए, ऊपर वाला के मौज है, कोई बात नहीं है। देश के लिए बेटा शहीद हो गया, भाग्य के बात कोई दिक्कत नहीं। प्रीतम जी सर, और अपना नंबर आप दे दीजिए, जब भी कोई जरूरत होगा ताकि संपर्क कर सके इनके परिवार में। आप लिख के दे दीजिए ना, मेरा जूम है ना जी। सर पेपर में लिख करके दे दीजिए, स्मारक स्मारक लोग बोल रहा था। सामने मेन रोड से अपना रोड के सामने वो गेट बनवा दीजिए ताकि मूर्ति लगे ना सही ढंग पर है, करवा दे रहा हूँ। क्या कह रहे संजय जी, जिला परिषद क्षेत्र मेरा है सर, आपका है जी, जी। दोनों चीज संजय जी लिखवा लीजिए, स्मारक जी, गेट पिचिंग गेट, ठीक है। इनसे पूछ लीजिएगा कौन से स्पॉट पे कहाँ कहाँ क्या बनेगा, ठीक है सर, ठीक है, जो होगा हम लोग का पार्टी दिक्कत हो तो आप ठीक है आगे हम सब कर दें, और ये टाइम बाउंडिंग के अंदर करवा दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जब हो जाए तो हम भी उसका इनके साथ जो है स्मारक पे माल्यार्पण करने हमारे श्रद्धांजलि, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और जल्दी होना चाहिए, जल्दी कराते टाइम, जल्दी दो को बच्चा आदमी लगा दीजिए जो है, देखिए बारिश का टाइम है, मिस्त्री जो भी है फोटो तो ले लीजिएगा शहीद भाई का जी जी जी, और थोड़ा पीछा हो मूर्ति के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, बढ़िया बनवाइए, ये भी है आदमी, आदमी में है, अच्छा सिक्किम है, सिक्किम सिक्किम में आप ही है जी, मैं जयके मैं चलिए आश्रय आश्रय हम लोग को कि आप लोग देश का सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं, है ना, पूरा सम्मान है। आदरणीय लालू जी के तरफ से भी आप लोगों को बोला गया कि जो संवेदनाएं प्रकट की हैं हम लोग सोचे कि हम आप लोगों से मिलें, और एक छोटा भाई होने के नाते नेता होने के नाते आपके भी बेटे जैसे हैं, जो बात होगा हम उसे आप कहिएगा, इसमें कोई नहीं, सब लोगों जो है उनके कुर्बानी को जायज मतलब बर्बाद नहीं होने देंगे, हम लोग चाहेंगे कि जो संभव मदद आपके बेटे ने आपके परिवार ने पूरा जो है दिन रात ये करके देश का सुरक्षा करते हैं, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको हम लोग पूरा करें।
सब प्रमुख आदमी है, उनसे भी जो बनेगा आपके इच्छा से यहाँ पर जो भी जरूरत जो भी टाइम टाइम बाउंडर सर के अंदर संजय पटेल हम तो जो खर्चा हो ठीक है हम करवाए थे। मूर्ति अच्छा बनवाई, अच्छा बनवाए उसके सौंदर्यीकरण में भी जो इनका सदा प्रमुख मेरा सर भाई का जो है हम चाहते हैं यहाँ पर स्मारक बने और मेरे भाई के नाम से जैसे यहाँ तक मेरा जमीन है और इसके बाद बिहार सरकार है पूरा, तो मैं चाहते हैं ज्यादा नहीं हमको बिहार सरकार मेरे भाई के नाम से 2-2.5 कट्ठा जमीन दे दे ताकि मैं बाउंड्री करा के अपना भाई के वहाँ मूर्ति बना के उसको हम लोग पूजा करें और हम माने मुख्यमंत्री से हम लोग बात कर लेंगे इसके लिए इसके लिए जो अभी इमीडिएटली हो सके ठीक है उसमें हम देरी नहीं करेंगे। ज्यादा दूर भी नहीं है पटना से, कोशिश करेंगे कि हम भी मल्यार्पण करें। शिवम शिवम कहाँ गए? शिवम शादी हो गया था? शिवम नहीं, उनका शादी नहीं हुआ, आपका हो गया। आप पहले नंबर बड़े हाँ। हम बड़े, वो दूसरे पे थे। राज कपूर जी, जी। आपके बेटे की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आए आपको ढाढ़स बंधाया इन्होंने और आपकी तमाम मांगों को ये करके विलम्ब पूरा किया, जब निर्देश भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, दूगो बेटा है अति माने उसको रोजी रोजगार नहीं है और दूगो उसको से छोटा है जो शहीद हुआ है, उसको से छोटा भाई है, उसको रोजी रोजगार मिलना चाहिए जो हम जीवित रहेंगे। लेकिन जितनी तत्परता दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष आपके दरवाजे पे आए, आपको आपके आंसू को पोंछने आए, आपकी बातों को भी इन्होंने सुना जी, जी। अच्छा है, दुख के घड़ी में, बहुत दुख के घड़ी में तेजस्वी बाबू के नाम सुन रहे हैं, हमारा ये भी बेटे दाखिल है, नाम सुन रहे थे लेकिन बेटा के भाग हमारा दूरा पर दर्शन हो गया, ये भी भगवान है देश का, सही बात, देश का भगवान है भारत माता की नेतो जी के जयकार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।